नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सूर्य ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण का डेट, टाइम और कुछ सावधानियाँ। और हम सूतक काल के बारे में भी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण लगने से कितने घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं होगा, यह सब जानकारी हम आप सभी को इसी वीडियो में दूंगी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि यह सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, कितने बजे लग रहा है और भारत में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, कितने बजे खत्म हो रहा है, इसका सूतक काल कब से कब तक लगने जा रहा है, यह सब जानकारी हम आप सभी को इसी वीडियो में दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप सभी को हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी हमारे नए नए वीडियो को सबसे पहले और आसानी से देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां जान लेते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाता है। सबसे पहले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सुनसान जगहों पे नहीं जाना चाहिए, भोजन पकाना नहीं चाहिए, न ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, पूरे ग्रहण के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो भी आपके घर में भोजन बचा हुआ है, दूध है, पानी है, उसमें तुलसी जी का पत्ता डालकर रख देना चाहिए। अब खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पेट पर गाय का गोबर का लेप लगा लें या गेर का लेप लगा लें। इससे ग्रहण का नेगेटिव ऊर्जा उनके बेबी तक नहीं पहुंच पाता है और उनका बेबी सुरक्षित रहता है। उनको नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, सोना या बैठना नहीं है, धारदार या नुकीला चीज का प्रयोग नहीं करना है, सब्जी काटने के लिए चाकू का प्रयोग, कपड़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग या कपड़ा सिलने के लिए सिलाई मशीन या सुई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। उनको भोजन पकाना नहीं है, ना ही भोजन ग्रहण करना है और ना ही उन्हें पानी पीना है पूरे ग्रहण के दौरान में। अब आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण का डेट और टाइम। 2024 में लगने वाला सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगने जा रहा है। यह रात में 9:12 से लगेगा और 3:16 पर खत्म होगा। इसका टोटल कुल अवधि है 6:03। अब आपको सूर्य ग्रहण का डेट और टाइम पता चल गया है तो इसे 12 घंटा पहले जोड़कर निकाले, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है। यह सुबह 9:12 से शुरू हो जाएगा सूतक काल। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। अब आइए हम आपको बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा आर्कटिक, ब्राजील, कुक आइलैंड, फिजी आर्कटिक, चिली, पेरू, अंटार्कटिक, अर्जेंटीना, ब्यून्स और बेका आइलैंड, मेक्सिको, न्यूजीलैंड आदि सारी जगहों पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण लग रहा है वहाँ वहाँ सूतक काल मान्य होगा और भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण एक बाल्यकार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को हम नंग आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत खतरनाक सूर्य ग्रहण होता है। अब आइए आपको बता दें कि 2025 में कितना सूर्य ग्रहण और लगने वाला है। 2025 में 2 सूर्य ग्रहण और लगने वाला है। पहला लगने वाला है 29 मार्च 2025 को। इसका लगने का टाइम है 2:20 PM से लेकर 6:13 PM तक। इसका टोटल कुल अवधि है 3:52। अब जो दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है 21 सितंबर 2025 को। इसका लगने का टाइम है 10:59 PM से 3:23 AM तक। इसका टोटल कुल अवधि है 4:24। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।